नमस्कार, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपके सामने फिर हाजिर हूं शख्सियत कार्यक्रम लेकर। आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्री जॉन एंथोनी जी। जॉन एंथोनी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लंबा शैक्षकीय जीवन जिया है आपने, फिलहाल रिटायर हैं, लेकिन आज भी आप पूरी तरह सक्रिय हैं सामाजिक कार्यों में। आज हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू दिस कार्यक्रम। जी, धन्यवाद। हम आज बात करेंगे आपके जो सामाजिक जीवन रहा है। सामाजिक जीवन में आपने काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं जी। आपने, आपकी एक संस्था भी थी जी, क्या नाम था उसका? अनुकल्प विकास प्रबोधिनी। अनुकल्प विकास प्रबोधिनी के तहत आपने लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत सारा काम किया है। हम आपसे उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। चाइल्ड लेबर के लिए काम किया जी, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं जी। आप अपनी संस्था के बारे में पहले थोड़ा सा बताइए। अनुकल्प विकास प्रबोधिनी जो थी वो CCFCL दिल्ली की सिस्टर कंसर्न थी जी। सिस्टर कंसर्न मीन्स, और CCFCL मीन्स सेंटर कंसर्न फॉर चाइल्ड लेबर जी। और सी क्लान करके था, CLAN चाइल्ड लेबर एक्शन नेटवर्क। अच्छा, उसके साथ में ये संबंधित थी जिनका ये हमने एक ब्रांच यहाँ पर डाली थी। ये स्पेशल चाइल्ड लेबर के लिए थी। अब बड़ी खुशी की होगी आपको कि हमारे खंडवा के ही मेरे बड़े भाई जो हैं वो इसके फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर थे इनके, मेंबर नहीं थे। और चाइल्ड लेबर जो कानून है उसको बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। अरे वाह, देखिए हमारे साथ में एक और चीज़ आपके चल रही है, मतलब भाई साहब का आपने जो बताया कि इतनी बड़ी उपलब्धि उनके साथ में जुड़ी हुई है। आपने लंबा शिक्षकीय जीवन जिया है, आपने अपने शिक्षकीय जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नवाचार किए हैं जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस तरह के बदलाव और नवाचार किए हैं अपने शिक्षकीय जीवन में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, 16 नवंबर सन 72 को मैंने ज्वाइन किया था शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर जी। और 15 मार्च 2015 को जी मैं रिटायर हुआ हूँ जी। करीब करीब 42 साल का मेरा शिक्षकीय जीवन रहा है जी। और ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस लंबे पीरियड में मेरे ऊपर एक भी लांछन या एक भी आक्षेप नहीं कोई लगा पाए जी, बिल्कुल। साथ ही अगर जैसे आप नवाचार की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग या जो भी विभाग हो जिसमें जो भी योजनाएँ बनती हैं जी, वो अगर अच्छे से हम लागू कर लें तो वो योजनाएं सक्सेस कर सकते हैं जी। जी जी, जैसे दो योजनाएं मैंने जो हुई थी, एक बाला थी जी और एक ABL जी। बाला मींस बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल जी जी जी। उसमें क्या है, जैसे ये आपका कमरा है जी, इस कमरे से ही आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं कि यहाँ पे गणित की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। दरवाजा आपका है वो, उसको आप रेखाखंड में बता सकते हैं, ये आयताकार है जी जी। टाइल्स जो लगी है ये वर्गाकार होगी आप जी। साथ ही जब दरवाजा खोलते हैं आप ऐसा करते हैं तो उसमें आप कोण बता सकते हैं, पूरा पूरा कोण बता सकते जी हैं जी। तो ये नवाचार थोड़ा सा मैंने उसको अपनी तरफ से किया था जी। साथ ही जैसे हमको सौर मंडल बताना है जी, तो सौर मंडल का चित्र पूरा दीवार पे ऊपर छत पे बना दिया था क्लासरूम में। अरे वाह, जिसमें बच्चा यहाँ बैठ के बता सकता है कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूर है, सबसे ज्यादा दूर कौन सा, सबसे पास कौन सा जी जी जी। उसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर देखेगा और आंसर देते जाएगा। मतलब ये बहुत दिनों बाद अब सरकार ने जो हमारी प्राथमिक या माध्यमिक शालाएं हैं उनके अंदर अब चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। ये काम सर ने काफी पहले, लगभग 20 वर्ष पहले ही कर लिया था आपने जी। और एक कमरे को आपने पूरा स्कूल बना करके, एक एक मॉडल बना करके बच्चों के सामने जब पेश किया तो ये अपने आप में बड़ी एक चीज। सर, मैं और ऐड करना चाहूँगा जी, कई जगह शालाओं के बाहर में कुछ पौधे उगाते हैं जी, मेरी शाला के बाहर भी एक पौधा उगा हुआ काव का था जी। तो उसको सबने बोला कि इसको हम कटवा लेते हैं, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये एक मेडिकेटेड प्लांट है जी जी जी। मैंने उसको सेव कर लिया और वहाँ पे पीछे दीवार पे लिखवा दिया कि ये औषधीय पौधा है। अरे जी हाँ, असल में हमारे आसपास बहुत सारे इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है जी। जैसे आपने अकाओ का बताया, अकाओ का अधिकांशतः उपयोग केवल उसके जो पुष्प और वो है वो भगवान को अर्पित करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन उसके औषधीय गुण लोगों को अगर पता हो तो शायद हमारे आसपास ज़्यादा अकाओ के पौधे
या इस तरह के और भी पौधे नजर आए जिनके अंदर औषधीय गुण है। आपने और आपकी संस्था ने आनंद नगर क्षेत्र में हरियाली को लेकर काफी काम किया है जी। आप लोगों ने नीम के पेड़ भी वहाँ पर लगाए थे जी, जो मतलब पौधे लगाए थे अब पेड़ हो गए हैं जी, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ये आइडिया भी मेरे बड़े भाई श्री जोसेफ एंथनी का था जी, जो इस संस्था से संबंधित है। उन्होंने हमको बताया था कि इस क्षेत्र का नाम निमाड़ क्यों पड़ा जी, क्योंकि यहाँ पे नीम के पेड़ों की अधिकता है के कारण इसका नाम निमाड़ पड़ा जी, निमाड़। और वो पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित रहते हैं हमेशा। ऐसा कहा जाता है नीम की आड़ यानी निमाड़ जी। और इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार में और मध्य प्रदेश सरकार को एक हमने ज्ञापन भी दिया था कि नीम के पेड़ की अधिकता हो, इसके लिए हेलीकॉप्टर से पूरे दूर सब दूर नीम के बीज गिराए जाए जी जी जी। और तो इस कार्य में सहयोग देने के लिए मैं आपको आज धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर शहजाद कुरैशी जी और मोरेश्वर राव मंडलोई जी का। अच्छा, मोरेश्वर राव मंडलोई जी भी इस सारी चीज़ों के लिए काफ़ी सक्रिय जी। डॉक्टर शहजाद कुरैशी तो खैर लगातार सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में आगे रहे ही हैं जी। तो आपने जो पेड़ लगाए थे वो अब भी जीवित हैं और काफ़ी छायादार हो चुके हैं जी। ये कह लीजिए कि 85% उसमें से जीवित हैं और अच्छे छायादार हो गए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपको और कहाँ से कौन से सम्मान मिले हैं उस बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए सबसे पहले तो मुझे सन 2008 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आचार्य सम्मान दिया गया जी, जो कि शिक्षा जगत में अच्छे कार्य करने वाले श्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है जी, बिल्कुल। उसके पश्चात हमारे लोकल जितने भी संस्थाएं हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया, लायनेस क्लब है जी, रोटरी क्लब है जी, फिर हमारे जितने भी मित्रगण हैं उन्होंने सम्मानित किया है, आशीर्वाद ग्रुप जो है जी जी उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है। पर सम्मानित से ज़्यादा मुझे एक जो सम्मान मिला है वो अपने छात्रों के द्वारा मिले। हाँ, मतलब आपका आपका जो शैक्षिक जीवन है उसके अंदर मतलब आपको टीचर के रूप में लोग ज़्यादा पहचानते हैं इस शहर में। आपको कप्तान भी कहते थे लोग जी, आपको जॉन कप्तान कहा करते थे जी, तो जॉन कप्तान आपको क्यों कहते हैं लोग? देखिए मैं क्रिकेट से करीब 20 वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ और डॉन बॉस्को क्लब जो था उसका मैं कैप्टन रहा हूँ। अरे वाह जी। ये तो अभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2008 में तब से मैं इन एक्टिविटीज से ज़्यादा दूर हो गया हूँ। एक बात हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जॉन सर का एक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उनके हाथ और पैर में थोड़ी परेशानी आई थी, मतलब उससे काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बावजूद इसके सर लगातार सक्रिय रहे हैं। इसके बाद भी आपने पढ़ाया है, उसके बाद भी आप सामाजिक कार्यों में उसी तरह सक्रिय रहे हैं, मैंने गलत तो नहीं बोला सर? जी नहीं, सही है। आप आज भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आगे रहते हैं। हम चाहेंगे कि इन सारे कामों में आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला है, कौन लोग ऐसे रहे हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है? देखिए सर्वप्रथम तो मेरे जो आदर्श रहे हैं वो मेरे बड़े भाई श्री जोसेफ एंथनी हैं जी, जिन्होंने हमको जीना सिखाया है कि आप किस प्रकार से कार्य कर करके अपने जीवन का स्तर ऊपर उठा सकते हैं जी। उसके पश्चात मैं बात करूं मेरे एक्सीडेंट के बाद तो मेरी बड़ी बहन जो है मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जी, जिन्होंने रात दिन मेरी सेवा भाव से मेरी सेवा शुश्रूषा की है जी। साथ में पत्नी तो जी, वो तो जी। उनका भी उनका तो परम कर्तव्य हो जाता है आपकी सेवा। उसके अलावा जब मैं शिक्षक जीवन स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अपनी शाला में कुछ चीज़ों की कमी है जी, तो सरकार के बदले मैंने अपने मित्र मंडल को टटोला। हाँ जी, मित्र मंडल क्या कर सकता है मेरे लिए, क्योंकि हम आपस में जब मिल बैठते हैं तो कोई भी कुछ भी 100-200 रुपए यूं ही खर्च कर देता जी, बिल्कुल। तो इसमें मैंने अपने दोस्तों का सहयोग लिया जी, और आपको खुशी होगी जानकर कि इस प्रकार से अकाउंट से जो राशि एकत्रित हुई उससे सर्वप्रथम हमने हमारा सरकारी शाला में टॉयलेट का निर्माण किया, प्याऊ का निर्माण किया जी, और उसके लिए शांतनु दीक्षित है, मनोज सेठी है और डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी जी, इनका काफ़ी सहयोग और प्रोत्साहन मिला मुझे। मतलब जिस तरह आज सरकारी योजनाओं में जनभागीदारी से काम किए जा रहे हैं, सर ने ये काम भी काफ़ी पहले ही शुरू कर दिए थे, जनभागीदारी से आप करते थे लेकिन उसके अंदर सरकार का शेयर नहीं होता था, नहीं था
और आपने पूरी तरह जनता के साथ में मिलकर के काम किया, ये भी एक अच्छी शुरुआत थी। ये काम अगर आज भी चलता रहे तो हमारी जो बहुत सारी शासकीय भवन या स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर मरम्मत की या इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जी, उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इस परंपरा को आगे जारी रखा जाना चाहिए और मैं चाहूँगा हमारे, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि सर की इस बात से प्रेरणा लेकर के वे स्वयं आगे आएँ और इस तरह के जो संस्थान हैं जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं या शिक्षा लेते हैं उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे रहें जी। आपका आपने बिल्कुल सही पहचाना सर जी, क्योंकि अमूमन होता यही है कि जो शासकीय शालाएं हैं वहाँ पर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे। मैं सर आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन गरीब परिवारों की आपने बात नहीं कर ली जी। उस संबंध में मुझे याद आ रहा है कि जब बच्चे एडमिशन के लिए आते थे वो अधिकतर स्लम एरियाज के थे जी, पर जैसे आपने कहा कि गरीब बच्चे, लेकिन हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे, हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चा के अच्छे पर्यावरण में अपने पढ़ाई पूरी करे, साथ ही वो देखता है कि बड़ी बड़ी शालाओं जैसे कॉन्वेंट स्कूल है या कोई और अच्छी है वहाँ बच्चे टिप टॉप होके जाते हैं, तो मेरे बच्चे भी जाएं। हाँ, वो भेजना चाहते हैं पर उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि भाई जैसा तुम्हारा बच्चा आ रहा है वैसे आना दीजिए। पर मैंने उन पालकों को राय दी कि आप अपने बच्चे को मोजे जूते और यूनिफॉर्म प्लस बैग करके दें, वेल अप टू डेट होकर के बच्चे आए, मतलब तो उन्होंने सहज स्वीकार किया जी, और उन्होंने अपने खर्चे से खुद स्वयं होकर उन बच्चों को जैसे टिप टॉप होकर भेजना शुरू किया। मतलब ये एक अच्छी शुरुआत थी, हालांकि बाद में सरकार ने फिर ये भी किया था कि स्कूलों को उन्होंने छूट दे दी थी कि आप अपने हिसाब से ड्रेस कोड रख सकते हैं, तो जहाँ जैसी परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से स्कूल्स ने अपने अपने ड्रेस कोड तैयार किए थे। हालांकि जब स्कूल में प्राइवेट सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उसके पीछे जो दायित्व होना चाहिए वो शिक्षकों का ज़्यादा दायित्व आ जाता है कि आप आपके जो बच्चे हैं उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं जी। आपने जैसे बच्चों को ये कहा कि आप अपडेट अप टू डेट होकर के आइए तो बच्चे अप टू डेट होकर के आएंगे, अगर आपने उन्हें नहीं टोका टाकी नहीं करी तो फिर वो बच्चे वही अपने ढर्रे पर रहते हैं। तो ये एक बेहतर प्रयास था सर का, ताकि वो बच्चे भी अपने आप में निजी स्कूलों की तरह अपने आप को मतलब महसूस करें और वैसे गर्व अनुभव करें। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा सर, स्कूल चले हम रैली का बहुत बढ़िया आयोजन हमने किया था जी, और उसमें एक काम और किया था कि जिस दलित बस्ती में स्लम एरियाज में हम रैली निकाल रहे थे वहीं हमने बच्चों का जाकर एडमिशन उनके घर पर ही किया, और उन्हीं को वहीं यूनिफॉर्म और जो बुक्स सरकार देती है। अच्छा, उनको वहीं हमने दिया अधिकारियों के द्वारा दिलवाई, वो भी घर पहुँचा जी जी। तो वो शहर से जो नहीं जो हमारे नॉलेज में जो बच्चे नहीं थे वो भी उस समय आके जुड़ गए कि हमारा भी एडमिशन कर। तो ऐसे प्रयास होने चाहिए, ये सच्चे प्रयास होते हैं। अगर आप शासकीय सेवा में भी हैं लेकिन अगर आपके प्रयास बेहतर नहीं हैं तो आपके परिणाम बेहतर नहीं होंगे। तो सर ने जिस तरह के प्रयास किए हैं ये प्रयास सभी शासकीय शिक्षकों को करने चाहिए, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें, एक आगे जाकर के देश के लिए काम कर सकें। तो सर आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, और इस संबंध में मुझे कक्षा पांचवी का इंग्लिश का लेसन याद आ रहा है जी, फेस द प्रॉब्लम जी, जो विवेकानंद के ऊपर जी, बस जब भी जो भी समस्या है उसका सामना करिए और आगे बढ़िए, सबसे बेहतर तरीका ये है। इस संबंध में मैं दो चीज और शेयर करना चाहूंगा आपसे जी 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 बिल्कुल। एक तो मेरे एक घटना ऐसी हुई कि मुझे सीट ठोकना पड़ा, दूसरी घटना ऐसी कि मुझे पीठ थपथपाना पड़ी। हाँ बताइए, आप हम चाहेंगे अब हमारे दर्शकों को बताएं। तो मुझे एक बड़ी क्या कहना चाहिए, एक अच्छी आदत नहीं थी मुझ में, गुटखा खाने की आदत थी जी। तो एक बार बड़ी मजबूरी में मैंने अपने एक स्टूडेंट से बोला कि बेटा जाके मेरे लिए दुकान से गुटखा लिया जी। उस दिन मैंने उनसे गुटखा बुलवाया, नेक्स्ट डे जब मैं हाजिरी ले रहा था तो मैंने उसका नाम लिया मुश्ताक। तो वो बच्चा, मैंने देख लिया कि बच्चा बैठा हुआ लेकिन वो बोल नहीं रहा है। मैंने दो तीन बार उसका नाम लेकर उसको पुकारा जी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने तो दूसरे लड़के ने बोला सर ये गुटखा खा रहा है इसलिए नहीं बोल रहा। तब मुझे अपने आप पे बड़ा अफसोस हुआ इस तरह के भाई, देखो मैं कल इस बच्चे से अगर गुटखा नहीं बुलाता तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि आज यहाँ पर गुटखा खा के बैठता। सही बात है, पर दूसरी तो होगी मेरी सीट ठोकने वाली बात जी, पीठ थपथपाने वाली बात,
इसी प्रकार से एक चौथी क्लास की बच्ची को मैंने कहा कि बेटा जाके समोसा ले आओ जी, उसने मना कर दिया मुझे कि मैं समोसा लेने नहीं जाऊंगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उस दिन बैड लक था कि हमारे यहाँ चपरासी भी नहीं था जी, और मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे जी, तो मैंने मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उससे फोर्सली पूछा क्या बात है बेटा बताइए आप मुझे क्यों आप मुझे मना कर रहे हो, आपने आज तक कोई बात के लिए मना नहीं किया। तो बच्ची ने मुझे आंखों में पानी ला दिया सर, उसने जवाब दिया कि सर आप ही ने तो हमको सिखाया कि ठेले की चीजें नहीं खाना चाहिए और आप खुद ही उस ठेले से मिला के खा रहे हैं। तो मतलब बच्चे शिक्षा लेते ही नहीं देते भी है जी, और अपने शिक्षकों को भी वो शिक्षा दे सकते हैं जी जी। तो सर के अनुभव हमने यहाँ पे जाने, सर का अगर कोई संदेश हो समाज के लिए तो सर आप वो संदेश भी दीजिए। देखिए मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूँ जी कि नियम का पालन करना बहुत जरूरी है जी। जैसे मेरे साथ जो घटना हुई एक्सीडेंट की जी, और जिसके कारण मेरे हाथ पैर अभी कमजोर हैं जी, तो अगर मैं उस दिन बाइक टू बाइक एक्सीडेंट में हेलमेट पहने हुए रहता जी जी, तो मेरी यह हालत नहीं होती, क्योंकि नीचे गिरने से सर पे चोट लगी और मुझे जस्ट लाइक ए पैरालिसिस हो गया। तो मेरा ये संदेश है कि नियमों का पालन करिए आप सब, नियम किसी की बुराई के लिए नहीं बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में जितने भी नियम बनते हैं सबका फॉलो करिए, आप और आपके बच्चों का और अपने देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। धन्यवाद सर, आप आज हमारे बीच में आए, आपने इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों को बताई, धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहे मस्त रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बातें रखने का। थैंक यू।